OnePlus Nord, जी हाँ, 12 तारीख को मैंने लिया था, 12 अगस्त को, तो 12 अगस्त से 12 सितंबर और 12 सितंबर से 12 अक्टूबर 60 डेज एंड अबव हो चुका है मेरे इस फोन का, OnePlus Nord का। अगर बात करें तो यहाँ पर एक 25,000 वाला वेरिएंट आने वाला था, 6+64 वाला, तो वो अवेलेबल हो चुका है अमेजन पे। तो यहाँ पे पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ कि 60 डेज में ये फ़ोन कैसा परफॉर्म किया, लॉन्ग टर्म के लिए आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे डिटेल्ड में आपको जानकारी देंगे। तो इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, और चैनल पे अगर नया है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन पर ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि हम यहाँ पर जो भी जानकारी आपको देते हैं कंप्लीट क्रिस्टल क्लियर और ऑनेस्टी के साथ देते हैं। तो 60 डेज के बाद अगर हम OnePlus Nord की यहाँ पर पूरा अगर हम ऑपरेशन करें, ऑपरेशन Nord हम बोलते हैं, जी हाँ, तो ऑपरेशन Nord में कैसा है, नहीं है, आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इसका बिल्ड एंड डिज़ाइन क्वालिटी। तो सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी की अगर हम बात करें तो बिल्ड क्वालिटी भाई डेफिनेटली प्रीमियम लगता है इन हैंड, ऐसा कोई भी दो राय वाली बात नहीं आती है कि प्रीमियम आपको नहीं लगेगा। ग्लास फिनिश जो है, ये ब्लू कलर जो है भाई, काफ़ी बोलूँ तो फिर सच में एक प्यार सा हो गया इस कलर से, काफ़ी बढ़िया ये कलर है और आंखों को भी काफ़ी अच्छा लगता है दिखने में। कलर आपकी चॉइस अलग अलग हो सकती है, बट मेरा पर्सनल फेवरेट कलर है और मुझे काफ़ी अच्छा ये लग रहा है, प्रीमियम इन हैंड फील होगा, ट्रस्ट मी। तो यहाँ पर अगर हम बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बिल्ड क्वालिटी अच्छा है, अपार्ट फ्रॉम ये जो इसका साइड फ्रेम है, यहाँ पर किसी भी तरह का अलॉय या फिर स्टील यूज़ नहीं किया गया है, यहाँ पे एक प्लास्टिक वाला ही बॉडी इस्तेमाल किया गया है, बट फ्रंट एंड बैक में आपको यहाँ गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन और ग्लास इस्तेमाल किया गया है। तो इन शॉर्ट ओवरऑल प्रीमियम फील होगा आपको क्वालिटी वाइज। अब बात कर लेते हैं इसका डिज़ाइन, डिज़ाइन कुछ ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। डिज़ाइन की अगर मैं बात करूँ तो डिज़ाइन जैसे कैमरा बम्प हो गया, फ्लैश का प्लेसमेंट हो गया, या फिर अगर हम बात करें यहाँ पर इन डिस्प्ले कैमरा की बात करें, तो मुझे ये ज़्यादा कुछ यहाँ पर खास नहीं लगा। रीज़न इसका ऐसा है क्योंकि रियलमी की अगर आप कोई भी फ़ोन उठाओ तो आपको ऐसा ही डिज़ाइन मिलता है, साइड में ऐसे चार कैमरे लंबे जैसे, और यहाँ पर ये रहा फ्लैश, तो ऐसा ही कुछ इसमें भी दिखता है। तो मैं यहाँ पर डिज़ाइन से ज़्यादा इंप्रेस्ड नहीं हूँ, लेकिन बिल्ड और क्वालिटी से डेफिनेटली इंप्रेस्ड हूँ, अपार्ट फ्रॉम द साइड फ्रेम। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इसमें एक OnePlus Nord में आपको जो मिलता है एक अलर्ट स्लाइडर मिलता है। अब अलर्ट स्लाइडर लोग नहीं जानते होंगे काफ़ी सारे, तो बता दूं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक छोटा सा बटन दिखता है जहाँ पर आप रिंग, वाइब्रेट और साइलेंट, तीन मोड्स यहाँ पर आपको मिलते हैं। तो तीन मोड्स में से यहाँ पर किसी में भी आप इंस्टेंटली मतलब बस स्लाइड कीजिए और ये स्विच हो जाता है, तो मतलब काफ़ी ईजी एंड काफ़ी क्विक है, तो काफ़ी क्विकली यहाँ पर ये काम करता था। और ये डे टू डे यूसेज में अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली आपको ये काम आने वाला है, आपको किसी भी तरह का ऐसा लगेगा कि नहीं ये एक्स्ट्रा कोई फीचर है जिसका कोई इस्तेमाल या काम नहीं है, ये डेफिनेटली आपको डेली यूसेज में आपको यहाँ पर हेल्प आउट करेगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्राइसिंग की, प्राइसिंग में अगर मैं बता दूँ तो 6+64 वाला वेरियंट 25,000 में मिलता है, और एक आता है 8+128, वहीं अगर हम बात करें तो आपको एक 12+128 वाला भी वेरिएंट आपको दिख जाएगा, 30,000 मैक्सिमम प्राइस है। अब प्राइसिंग की बात कर लेते हैं, प्राइसिंग वाइज अगर मैं आपको यहाँ पे क्लियर कट एक आंसर दूँ तो ओवर प्राइज्ड है ये फ़ोन, लेकिन ओवर प्राइज्ड भी बोलना शायद गलत हो। रीज़न क्या है कि अगर सैमसंग अपना M51 25,000 में बेच सकता है या फिर M31S को 22,000 में बेच सकता है, तो डेफिनेटली OnePlus भी एक वैल्यू गेन करता है मार्केट में, तो वो भी बेच ही सकता है 30,000 में। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा, बट टेक्निकली मुझे यहाँ पर लगा कि थोड़ा प्राइस कम होना चाहिए। रीज़न इसके पीछे क्या है वो भी बताता हूँ आपको मैं। अगर आपने Qualcomm Snapdragon का 730G इस्तेमाल किया है, कोई भी फ़ोन अगर 730G के साथ आपने यूज़ किया है, तो 765G में आपको कुछ ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट या फिर ड्रास्टिक चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। डे टू डे यूसेज में किसी भी तरह का ज़्यादा यहाँ पर इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है आपको। मैं बहुत ही क्लियर कट बता देता हूँ, आप गेम खेलो, कुछ भी करो, प्रोसेसर परफॉर्मेंस, प्रोसेसर कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ पर नहीं डालेगा आपके डे टू डे यूसेज में। अगर 730G या फिर 732G अगर आपने इस्तेमाल किया है स्नैपड्रैगन का, तो स्नैपड्रैगन का 765G कुछ ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाने वाला नहीं है। अब इम्प्रूवमेंट एक ही चीज़ है 765G में, जो कि है 5G। 5G होने की वजह से इसका वैल्यू बढ़ जाता है, और 5G भी एक रीज़न है कि इसकी प्राइसिंग थोड़ी ज़्यादा है, जो हम लोग बार बार आपको बोल रहे हैं कि इसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा है, थोड़ी ज़्यादा है, तो 5G भी एक कॉज है यहाँ पर प्राइसिंग ज़्यादा
करने में इसका भी बहुत बड़ा हाथ है। अब बात कर लेते हैं कैमरा के बारे में और बैटरी के बारे में। उसके पहले बैटरी के बारे में आपको बता दूं मैं कि 4115 mAh की बैटरी मिलती है। बैटरी ओवरऑल अगर आपका एक नॉर्मल यूसेज की अगर हम बात करें, ज़्यादा गेम नहीं खेलते हैं, आधा एक घंटा अगर गेम खेलते हैं, मैक्सिमम कॉल्स आते हैं या फिर वीडियोज़ ज़्यादा देखना पसंद नहीं करते हैं, एक दो चार वीडियोज़ देख करके इट्स ओके, तो आपका आराम से एक दिन से ज़्यादा आपको बैटरी बैकअप मिल जाएगा यहाँ पे, उसमें आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन वहीं अगर हैवी यूज़र है तो दिन में आपको एक बार तो चार्ज करना ही पड़ेगा क्योंकि बैटरी कम है। और यहाँ पर 60+ 90 Hz दोनों का ही ऑप्शन दिया गया है डिस्प्ले के अंदर ये फीचर, तो जिसकी वजह से 90 Hz पर अगर रखते हैं तो बैटरी कंजम्पशन भी ज़्यादा होता है। इसमें एक अच्छी फीचर मुझे लगा जो कि है नेटवर्क एग्रीगेशन। नेटवर्क एग्रीगेशन का बेस्ट पार्ट क्या है, काफ़ी सारे मल्टीपल नेटवर्क्स के साथ ये लोग कनेक्ट आपके डिवाइस को कनेक्ट कर देता है और जो भी बेस्ट सर्विसेज आपको जहाँ से मिलता है वहाँ से फेच करके देता है या फिर सभी को मर्ज करके आपको बेस्ट क्वालिटी ऑफ इंटरनेट या फिर सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए यहाँ पर आपको दिया जाता है आपके नोड पे। तो ये चीज़ मुझे एक अच्छा लगा कि भाई ये चीज़ इस फीचर इस फ़ोन में है। और डे टू डे यूसेज में अगर मैं कॉल कनेक्टिविटी की बात करूँ या फिर नेटवर्क कवरेज का, तो बहुत ही सिंपल सी भाषा में बता दूँ आपको, मैं इसमें कॉल ड्रॉप्स इश्यूज़ देखे गए हैं। कॉल ड्रॉप इश्यूज़ जैसे कि काफ़ी बार फ़ोन पे बात करते करते आवाज़ गायब हो जाती है या फिर कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है, हमने ये चीज़ को नोटिस किया है और एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स ये हुआ है। और ये प्रॉब्लम 10.5.8 वाला जो वर्जन है उसके बाद से ये प्रॉब्लम आ रही है। 10.5.8 के बाद एक और प्रॉब्लम आ रही है, वो है यहाँ पर बैटरी कंजम्पशन। जैसे कि अगर आप कैमरा ऑन करते हैं तो कैमरा यूसेज में बहुत ही हाई बैटरी कंजम्पशन होता है, तो यहाँ पर एक ड्रॉबैक है। आई थिंक ये नेक्स्ट फर्दर अपडेट्स में इसे इम्प्रूव कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं, जब यहाँ पर हम 90 हर्ट्ज़ और 60 हर्ट्ज़ की बात ही कर रहे हैं तो उसके पहले तो भाई लाल कलर का बटन है उसको दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, फ्री है मेरे दोस्तों, आपका एक सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा और शेयर भी करें और कुछ भी सवाल हो तो कमेंट ज़रूर कर लें। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर डिस्प्ले के बारे में। अब डिस्प्ले यहाँ पर जो OnePlus अपने मैक्सिमम फ़ोन्स में देता है, OnePlus 7 सीरीज़ 8 सीरीज़, आपको OnePlus Nord में उस लेवल या उस क्वालिटी का आपको डिस्प्ले नहीं मिलने वाला है। मैं बहुत ही क्लियर कट आपको बोल दूं, यहाँ पर अगर आप Realme के फ़ोन्स इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा सा उससे इम्प्रूव आप बोल सकते हैं इम्प्रोवाइज्ड है यहाँ पे, बट कोई ज़्यादा कुछ खास नहीं है। यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा आपको 90 हर्ट्ज़ वाला है एक रिफ्रेश रेट के साथ एमोलेड का डिस्प्ले मिलता है। लेकिन अगर आप OnePlus 7 सीरीज़ या OnePlus 8 सीरीज़ का डिस्प्ले देख करके OnePlus Nord लेना चाहते हैं कि भाई वैसा वाला डिस्प्ले हमें इसमें मिलेगा, तो आप भूल जाइए, आप गलत फहमी में हैं। वैसा डिस्प्ले का क्वालिटी आपको नहीं मिलने वाला है। एक अबव एवरेज जो Realme अपने 20,000 या 25,000 के सेगमेंट के फ़ोन्स में सुपर एमोलेड इस्तेमाल करता है उससे थोड़ा सा इम्प्रूव्ड है क्योंकि 90 हर्ट्ज़ आपको मिलता है। उसके अलावा यहाँ पर डिस्प्ले में आपको कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों को जो टिंट इश्यूज़ आ रहे हैं या फिर अलग अलग इश्यूज़, मेरे फ़ोन में मुझे ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है और ऐसा कोई भी इश्यूज़ या फिर कोई भी एरर नहीं आया है। बात कर लेते हैं अब कैमरा के बारे में यहाँ पे। तो कैमरा यहाँ पर मैं बहुत ही क्लियर कट आपको बताने वाला हूँ क्योंकि मेरा जो भी यहाँ ओपिनियन होता है या फिर मैं आपको रिव्यू देता हूँ ये बहुत ही क्लियर कट होता है, ज़्यादा घुमा फिरा के बातें नहीं होती है। तो कैमरा के बारे में बोल दूँ तो अगर फोटो लवर है आप, फोटोजेनिक है, तो फोटो यहाँ पर आपको बढ़िया मिलने वाला है। आप बिंदास फोटो के लिए ले सकते हैं क्योंकि अगर हम बात करें तो फोटो काफ़ी अच्छा यहाँ पर निकल के आता है। सोनी का सेंसर भी आपको मिल जाता है। नो डाउट मैं यहाँ पर अगर बात करूँ जैसे कि 2 MP का इसमें कैमरा मिलता है आपको क्वाड कैमरा के साथ, तो 2 MP वाला तो कैमरा तो भाई कोई काम का ही नहीं है, उसको तो आप जस्ट इग्नोर ही कर दीजिए। और फ्रंट कैमरा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 32+8 MP का कैमरा मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है यहाँ पे, और यहाँ पर अपडेट्स के बाद काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट्स भी किए गए हैं। तो ये चीज़ इसमें आपको कैमरा के पिक्स की अगर हम बात करें, पिक्चर वहाँ पर आपको अच्छा मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर वीडियो। वीडियो में मैं आपको बहुत क्लियरली बताने चाहूँगा कि वीडियो में ऐसा है कुछ कि वीडियो की क्वालिटी मुझे ज़्यादा इम्प्रेस यहाँ पे नहीं की है। वीडियो के बारे में अगर हम बात करें तो OIS मिलता है आपको इसमें, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजर, वहीं फ्रंट में EIS भी मिलता है आपको, लेकिन वीडियो यहाँ पर ज़्यादा इम्प्रेस मुझे नहीं कर पाया क्योंकि शायद कलर की वजह से, कलर टोन की वजह से, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आप यहाँ पर चेकआउट कर ही सकते हैं, वीडियो की क्वालिटी उतनी अच्छी खासी मुझे नहीं लगी यहाँ पर। शायद इन फ्यूचर ये लोग इसे अपडेट करके फिक्स आउट करें। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की, मुझे इसमें क्या पसंद नहीं आया। पसंद नहीं आया क्योंकि इस फ़ोन में आपको 3.5 mm जैक नहीं मिलता है।
बट टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो मुझे उतना कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, शायद आपको पड़ सकता है क्योंकि मेरे पास TWS अवेलेबल है, तो जिसकी वजह से मुझे यहाँ किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हुई। वन प्लस का बुलेट Z भी है जो कि कनेक्टिविटी को काफ़ी ज़्यादा ईजी और सिंपल बना देता है, तो सिर्फ मुझे यहाँ पे ब्लूटूथ ऑन करना था और फटाक से यहाँ पर कनेक्ट हो जाता है वन प्लस बुलेट Z, तो जिसकी वजह से मुझे 3.5 mm जैक नहीं होने का मुझे कोई गम यहाँ पर नहीं है, बट ये काफ़ी लोगों को मैटर कर सकता है, तो इसे भी ध्यान रखें खरीदने के टाइम पे। अब यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है कि जैसा कि इस फोन में आपको मिलता है ऑक्सीजन ओएस ऑन एंड्रॉइड 10, तो ऑक्सीजन ओएस के बारे में बात करूं तो नो डाउट धीरे धीरे अगर आप ऑक्सीजन ओएस अगर यूज करना इस्तेमाल करेंगे तो धीरे धीरे आपको यहां पर आपको उसकी आदत लग जाएगी, आप एडिक्ट हो जाएंगे उसके, काफ़ी ज़्यादा आपको आदत लग जाएगी। लेकिन वहीं ऑक्सीजन ओएस की अगर हम बात करें तो कुछ कुछ चीज़ें हैं काफ़ी ज़्यादा बड़ी ड्रॉबैक है और मुझे लगता है कि शायद इन चीज़ों को आने वाले टाइम पे इम्प्रूव करना चाहिए। काफ़ी सारे छोटे छोटे अगर हम कस्टमाइजेशंस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अंदर जाना होता है सेटिंग्स का, बहुत अंदर जा करके डिग आउट करना होता है फिर जा करके वो चेंजेस होते हैं, तो ये चीज़ मुझे एक ड्रॉबैक लगा। जैसे डार्क मोड एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, लेकिन सेटिंग्स के काफ़ी अंदर जा करके हमें वो चीज़ एक्टिवेट करने का मिलता है, नोटिफिकेशन पैनल से डायरेक्टली आप नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट नोटिफिकेशन पैनल पे भी अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा आपको ऑप्शंस नहीं मिलते हैं कस्टमाइजेशंस के लिए, जो कि मुझे लगता है काफ़ी बड़ा ड्रॉबैक है और आने वाले टाइम पे वन प्लस को यहाँ पर ऑक्सीजन ओएस के अंदर ये सारी चीज़ें ऐड करके देनी चाहिए। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर मिसिंग है जो कि रेगुलर डे टू डे यूसेज में आप नोटिफिकेशन पैनल से इस्तेमाल कर सकते हैं शॉर्टकट्स लेकर के, जो कि आपको वन प्लस नॉर्ड में आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिसिंग लगेगी, जिसका एक एग्जांपल मैंने आपको डार्क मोड का दिया। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस फ़ोन को आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। उसके पहले एक और चीज़ बता दूँ कि इसमें इंटरनल स्टोरेज जो आपको आता है जो भी आएगा वो फिक्स्ड ही मिलेगा, इसमें आप एक्सपांड नहीं कर सकते हैं। 64 GB वाला अगर लेते हैं 25,000 में तो उतना ही रहेगा, आप इसे एक्सपांड नहीं कर सकते हैं। 2 SIM कार्ड लगा सकते हैं लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह का आप एक्सपांशन नहीं कर सकते हैं। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, इस फ़ोन में करेंटली सिर्फ 4G प्लस 4G ही सपोर्ट करता है, जो कि VoLTE और अगर हम बात करें Vivo Wi-Fi का भी सपोर्ट आपको मिल जाता है। या आने वाले वक्त में 5G का एक OTA अपडेट पुश किया जाएगा जिसकी मदद से यहाँ पर 5G का फीचर इनेबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ आपको बता दूँ कि दोनों ही सिम कार्ड पे आपको 5G इनेबल्ड नहीं मिलेगा। इन फ्यूचर अगर ये अपडेट देते भी हैं 5G का, डेफिनेटली देंगे, देने वाली बात ही नहीं होती है, तो यहाँ पर एक सिम पे ही 5G सपोर्ट करेगा, दूसरे पे 4G सपोर्ट करेगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि OnePlus Nord में एक ही सिंगल सिम पे 5G सपोर्ट करेगा, ना कि दोनों सिम पे। अब यहां पर इस फोन को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, यहां दो वर्डिक्ट मैं आपको देने वाला हूं, इन दोनों चीजों को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज, अगर OnePlus लवर है और OnePlus का ही फोन यूज करना चाहते हैं तो यह फोन हाईली रिकमेंडेड होगा, इसे जरूर जाकर के चेकआउट कीजिए। अगर आप यहां पर YouTube वीडियोस वगैरह शूट करना चाहते हैं या ब्लॉगिंग करना चाहते हैं इस फोन की मदद से, तो यह फोन आपके लिए कतई रिकमेंडेड नहीं है। डे टू डे यूसेज के लिए अगर आप इस फोन OnePlus Nord को अगर यूज करना चाहते हैं डे टू डे लाइफ के लिए, जैसे पिक्चर्स क्लिक करना हो या फिर छोटे मोटे घर के पार्टीज के इधर उधर के वीडियोस रिकॉर्ड करने हो, या फिर आपको यहां पर अच्छा एक स्टाइलिश फोन और एक ब्रांड वैल्यू के साथ अगर फोन चाहिए, तो ये फोन उनके लिए रिकमेंडेड है। अब ये फोन किनको नहीं लेना चाहिए, ये फोन उनको नहीं लेना चाहिए जो कि यहां पर काफी ज्यादा उम्मीद करते हैं कि कैमरा बहुत बढ़िया मिलेगा, जैसे कि वीडियो क्वालिटी। कैमरा नो डाउट पिक्स के लिए काफी बढ़िया है, लेकिन वीडियो क्वालिटी की अगर हम बात करें तो वीडियो के लिए अगर डिपेंडेंट है OnePlus Nord को के ऊपर और ये सोच करके लेना चाहते हैं तो ये फोन आपके लिए कतई नहीं है। OnePlus Nord का वीडियो क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, काफी उतना ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है। अब ये फोन अगर आप इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन जाना चाहते हैं तो Realme का X2 भी अवेलेबल है, जो कि काफ़ी अच्छा और काफ़ी बेहतर प्रोसेसर के साथ आता है। उसके अलावा अगर आपका बजट ज़्यादा है तो OnePlus 7 सीरीज़ का कोई भी हैंडसेट आप उठा सकते हैं, जो कि काफ़ी वैल्यू फॉर मनी आपको मिलेगा। और इनफैक्ट 30,000 के सेगमेंट में अगर आ ही जाता है ये, थोड़ा बहुत और ऐड कीजिएगा तो आपको OnePlus के 7 सीरीज़ के भी फ़ोन मिल जाएंगे। तो ये फ़ोन लॉन्ग टर्म के लिए अगर OnePlus लवर्स हैं और OnePlus को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं ऑक्सीजन ओएस को, तो इसे ट्राई दे सकते हैं। लेकिन अगर डिपेंडेंट है कि वीडियो शूटिंग भी करेंगे सारा कुछ डे टू डे यूसेज में, तो वीडियो शूटिंग के अलावा डे टू डे यूसेज में आपको कहीं दिक्कत तो नहीं आएगी। वीडियो शूटिंग अगर आप करना चाहते हैं तो फिर ये फ़ोन वीडियो शूटिंग के लिए तो बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन डे टू डे यूसेज में परफॉर्मेंस में आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। करंटली अगर 730G या फिर स्नैपड्रैगन 732G इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये फ़ोन लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि एनीवेज ये अभी भी 4G ही चल रहा है, 5G इंडिया में है भी नहीं। 2 साल और शायद लग जाएंगे 5G आने में, और 730G या फिर 732G जैसा परफॉर्म करता है वैसा ही 765G भी परफॉर्म करता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो भी खरीदिएगा
ध्यान से खरीदिएगा, वाइजली खरीदिएगा। ऐसे प्यार देते रहिए और बोलते रहिए जय हिंद, वंदे मातरम।